जिस जगह असं बैठे अमृतसर इतों की बहुत वड्डी एक ना इतने लोग थोड़े आने तो पहला असी गुफ्तगू कर रहे थे पब्लिक नाल लॉ एंड ऑर्डर बड़ी वड्डी समस्या है। प्रॉब्लम की है कि वी आई पी कल्चर पंजाब चना कि हर एम एल ए दो जिप्सियां चाहिए होंगे एक अगे एक पिछे तुहाड़ी पार्टी किवें यकीन दिखा दवा रही है कि असी उस वी वी आई पी कल्चर है वो तो निजात दवा क्योंकि पुलिस का काम हों लोगों में रहना लेकिन पुलिस जेडे एम एल ए साहब के काके स्कूल छड़ के आती है जी वाइफ में सैर करा रही होंगी है पुलिस को अपना काम नहीं करन दिता जाता पुलिस को लाया होया प्राइवेट अपनी नौकरी ली वी आई पी कल्चर तुम यकीन दवाते हो कि अगर तुहाड़ी सरकार आऊगी किवें उस वी आई पी कल्चर को रोकोगे और की किवें डिफरेंट होएगी तुहाड़ी सरकार जी। देखो बिल्कुल तुम सही कहा है पुलिस तो वो काम नहीं लिया जाता जो पुलिस जिदे वास्ते भर्ती हुई है थाने खाली पे ने लीडर के घर मूहरे तंबू ला के वह उन्हों की रक्षा कर रहे हैं तो उत्तों लॉ एंड ऑर्डर जोड़ा है वह कि हाथ च है होम मिनिस्टर दे होम मिनिस्टर की कह रहे हैं वो कदे किसी नाके से जाते किसी एस आई सस्पेंड करता वो कॉन्स्टेबलों दर्दियाँ बदलियां कर रहे हैं तो लीडर ने की कहा पांच साल च चाहे वह दविंदर घवाया हो चाहे भारत भूषण आशु हो नाम लूँगा मैं ठीक है चाहे नवजोत सिद्धू हो की कहा जा रहा हरमिंदर गिल हो की कहा जा रहा तेरा बिस्तरा गोल करा देंगे हाँ तू समझती की अपने आप एक महिला पुलिस अफसर को फिर कहा जा हरमिंदर गिल वालों तैनू पता नहीं मैं एम एल ए हाँ तैनू पांच दिन हो गए इतने एस एच ओ लगे तू मेरे घर नहीं आया मैं सलूट मारन फिर मैं भारत भूषण आशु कहता वो गल सुन ला डी एस पी तैनू देख लूँगा मैं फिर नवजोत सिंह सिद्धू कहता है आ खड़ा साडा एम एल ए मारे दबका थानेदार की पेंट हो जाए गिली ये लैंग्वेज वरतने ये शब्दावली है ये पुलिस वाले कौन ने अपने चाचे ताए भतीजे पुत भतीजे ने कमाल है यार तुम इदा डीमोर कर दोगे इन्हों आम आदमी पार्टी आऊगी पुलिस सिर्फ पुलिस का काम करूगी आ छोटे छोटे पता नहीं कोई बिजनेस है पांच पांच गनमैन चक्की फिरते हैं है जी जो लगते ने बड़े बड़े काफले लंघते हैं ना हारिया होने के भी जो आपस कट्ठे ही ने एक कल्चर बंद करा दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जाते हैं इनोवा च बह के जाते हैं घर के मूहरी एक सिग्नल है वो रैड लाइट होंगी है इनोवा खड़ जाती है नाल बराबर एक आटो रिक्शे वाला आता है एक वो सैल्फी ले लैंदा है तो कोई उत्थे तो ऐ नहीं है भी पर हो जाओ सो मैं तो ये कहना कि जिहड़ी पुलिस है उन्हूं तुसीं फ्री हैंड दे दो उन्हूं तुसीं राजनीति तो दूर कर दो तोड़ दो नाता तुसीं देखियो अमन अमान भी होगा तो पंजाब सब तो इंडिया का सब तो शांत तो सुरक्षित सूबा बना के दिखावांगे तुहानूं। पुलिस का पोलिटिक जिहड़ा पुलिस का पोलिटाइजेशन बहुत होया असीं देखिया पिछले 10 साल जे कोई आम बंदे ने पुलिस स्टेशन जाना पहला तो उन्होंने कहा ना एम एल ए साहब को जाओ उतो परची लिखा के लियाओ तुम यकीन दवाते हो कि तुहाड़ी सरकार आई पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करेगी और किवें काम करेगी क्योंकि बहुत 40-50 साल या 70 साल तो यह काम चल रहा मैं पुलिस को भी तो एक आदत पैगी ना उस गुलामी नहीं नहीं मैं दस दूँ जे साडे किसी एम एल ए ने सरकार बनने तो बाद जा साडे किसी मंत्री ने किसी थाने च फोन करता कि आ बंदे नूं छड़ दो वो बंदा गलत है इहनूं छड़ दो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਜੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਂਟ ਟੀਚ ਮੀ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ उस दौर की लोड़ है देखने वाली आप जैसे देखते हो पंजाब में सुनते हैं कि एक एसपी की पोस्टिंग के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं एसएसपी की पोस्टिंग के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं थानेदार की पोस्टिंग के इतने पैसे देने पड़ते हैं अब जो आदमी पैसे दे के आएगा वो तो फिर पैसे निकालेगा ना मान लो आपके भगवान ना करे घर में किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार हो गया तो अगर कोई पैसे दे के आएगा तो वो बलात्कारी से तो फिर पैसे लेके उसको छोड़ेगा लेकिन अगर
आप ईमानदारी के साथ पोस्टिंग करो, सारी अच्छे अफसरों को, ईमानदार अफसरों को सारी पोस्टों पे बिठाओ। किसी की हिम्मत नहीं है जो पंजाब के अंदर उसके बाद अपराध कर देगा। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत प्रोफेशनल है, उनको फ्री हैंड देने की ज़रूरत है, और ईमानदार अफसरों को, जितने भी ईमानदार कर्मचारी हैं उनको सबको मौका देने की ज़रूरत है। अरविंद जी, बहुत सारे पॉलिटिशियन आपके विरोधी कहते हैं, मैं फिर हिंदी बोलने लग पा, बहुत सारे विरोधी कहते हैं कि जिन्होंने टिकटा दतिया ने वो कांग्रेस और बाकी पार्टी से भी आए हैं, फिर वो तो वही कल्चर लैके आएंगे, वही VIP कल्चर आएगा, वही पुलिस के नाल जो रखे अपने थले रखे कि नहीं पुलिस ऐसे तो करे। एक एक जो भी हमारी पार्टी में आया उसको ठोक बजा के देखा है हमने कि आदमी अच्छा है, खराब तो नहीं है, कल हमारी सरकार खराब तो नहीं करेगा पंजाब के भविष्य। दूसरी पार्टियों में भी कई अच्छे लोग हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारा कहना है कि पहले तो विकल्प नहीं था, अब एक अच्छी पार्टी आ गई है, ईमानदार पार्टी आ गई है, तो जो अच्छे लोग हैं दूसरी पार्टियों में भी छोड़ छोड़ के आ जाएं। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे हमने 117 में से मैक्सिमम टिकटें अपने कार्यकर्ताओं को दी है, अपने लोगों को दी है।